बच्चों के खेलने के लिए सनी साइड में पार्क बनाया गया था ताकि बच्चे यहां खेलें और स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ बदनसीब माँ ने 3 वर्षीय बच्चे को भी पार्क में खेलने के लिए भेजा था, लेकिन उसे क्या पता था कि इसी पार्क में उसका लाडला अंतिम सांस लेगा। आपको बता दें कि पार्क में जब बच्चे खेल रहे थे तो एक बड़ी गिरिल जो पिछले करीबन 1 वर्ष से पार्क के दीवार के साथ खड़ी थी, वह बच्चे पर गिर गई, जिसकी वजह से बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही दम तोड़ दिया। बच्चों के खेलने के लिए सनी साइड में पार्क बनाया गया था ताकि बच्चे यहां खेलें और स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ बदनसीब माँ ने 3 वर्षीय बच्चे को भी पार्क में खेलने के लिए भेजा था, लेकिन उसे क्या पता था कि इसी पार्क में उसका लाडला अंतिम सांस लेगा। आपको बता दें कि आज पार्क में जब बच्चे खेल रहे थे तो एक बड़ी ग्रिल जो पिछले करीबन 1 वर्ष से पार्क में दीवार के साथ खड़ी थी, वह बच्चे पर गिर गई, जिसकी वजह से बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिसके चलते लोगों में भारी रोष देखा जा रहा है। स्थानीय लोग इस दर्दनाक घटना का जिम्मेवार नगर परिषद को मान रहे हैं, क्योंकि पार्क में पड़ी इस बेकार ग्रिल को वे काफी बार नगर परिषद के अधिकारियों को हटाने का आग्रह कर चुके थे, लेकिन नगर परिषद है कि उनके कानों पर जू नहीं रेंग रही थी। स्थानीय लोगों ने जब इस घटना के बारे में बताया तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने रोष जताते हुए कहा कि इसी पार्क में इसी ग्रिल से पहले भी कई बार बच्चे गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। एक बच्चे की टांग का ऑपरेशन अभी तक भी करवाना पड़ा, लेकिन आज तो इस ग्रिल की वजह से एक बच्चे की जान ही चली गई। उन्होंने कहा कि वे नगर निगम के अधिकारियों और पार्षदों को कई बार इस ग्रिल के बारे में अवगत करवा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी इसको गंभीरता से नहीं लिया, जिसका खामियाजा आज एक बच्चे को जान देकर चुकाना पड़ा। हद तो ये है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी नगर परिषद का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिसे देखकर लगता है कि नगर परिषद लापरवाह तो है ही, अब वह संवेदनहीन भी हो गया है। और वो चीज मैं भूल नहीं सकती हूँ शायद पूरी लाइफ में, कि उसके गले से, मुंह से और नाक से ब्लड के फाउंटेन्स निकल रहे थे, और जो उसकी जो दोनों आंखें थी, बच्चे की जो आंखें थी वो बाहर निकली हुई थी और स्टिल थी बिल्कुल, बच्चे में कोई हलचल नहीं हो रही थी वो, और बस उसको वहाँ से हमने हॉस्पिटल भेज दिया था, बस उसको रिक्वेस्ट हमने ये की थी। और मतलब मुझे ये बहुत ही बुरा लग रहा है कि यहाँ पर ठीक है कमेटी काम भी करती है, लेकिन यहाँ पर जो 2 ग्रिल्स हैं ये बहुत रिस्क फैक्टर है इस हमारे कॉलोनी के लिए। और कुछ अभी मेरे को यहाँ पर खड़े होकर ही पता चला था कि कुछ अभी कुछ दिन पहले ही एक बच्चे के ऊपर ये ग्रिल गिरी थी, तो शायद उसकी टांग टूटी थी, हाँ टांग टूटी थी, उसमें शायद उसमें रॉड पड़ी है। तो ये चीज़ कमेटी को देखनी चाहिए, सभी को देखनी चाहिए, और जागरूक नागरिकों के हिसाब से भी हमें भी एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो आप जिला प्रशासन से क्या मांग करना चाहती है कि जैसे नगर परिषद इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा, दो हादसे हो चुके हैं, अब तो जान भी जा चुकी है। देखिए मार्च में या अप्रैल में वो रेलिंग गिर गई थी, उसमें से कार नीचे गिरी थी, वो रेलिंग आज तक ऐसी ही है, टूटी हुई है, और स्कूल यहाँ पर है, डीवी स्कूल है, बच्चे हैं यहाँ पे, बुजुर्ग होते हैं, धक्का भी लग सकता है, कोई भी ड्राइव भी कर रहा है वो धक्का लग सकता है, कुछ भी मिस हैपनिंग दोबारा हो सकती है। मैं तो यही करती हूँ कि इस बच्चे की मदद की जाए, इस फैमिली की मदद की जाए, और अपना बाकी जो कमेटी में जो भी है, मेंबर्स हैं जो भी है यहाँ पर, वो जल्दी से जल्दी सनी साइड की तो कम से कम देखें कि रेलिंग्स कहाँ टूटी हैं। कोर्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ भी रेलिंग्स टूटी हुई हैं, आप टूवर्स डीएवी स्कूल जाएंगे वहाँ भी रेलिंग्स टूटी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ दोबारा कोई मिस हैपनिंग ना हो, अब हम बच्चा तो नहीं ला सकते उसका वापस। मैम 2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे नगर परिषद नहीं आया, नहीं अभी कोई नहीं आया, क्योंकि मेरी कहीं मीटिंग भविष्य में नगर परिषद आपकी मदद करेगा? कोई नहीं, इन्फॉर्म हमारे साथ ये आंटी हैं, ये हमारे वार्ड मेंबर के घर होकर आए हैं, इन्होंने इन्फॉर्म किया है उनको, लेकिन अभी तक हम यहीं पर खड़े हैं, जब से ये मिस हैपनिंग हुई है हम यहीं हैं, मेरी मीटिंग है बट मैंने मीटिंग भी कैंसिल की है। यहाँ पर जो आज बच्चे के साथ हादसा हुआ बहुत गलत हुआ, और ना ही अभी तक पुलिस आई है ना ही कोई कमेटी वाला आया, जबकि कमेटी में मैंने 10 फोन कर दिए सबको, मीरा आनंद को भी फ़ोन करा लोग, लेकिन कहती मैं यहाँ नहीं हूँ, पार्षद को भी करा, मधु को, वो भी यहाँ नहीं है, लेकिन कोई भी नहीं आया। और ये बच्चा है यहाँ, पहले भी अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे के ऊपर ग्रिल गिरी, उसके रोड़े पड़ी पूरी टांग में। वक्त चला, छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।